थे कोई वो ही नहीं था। बाद में देखा कि इतनी हाइप बन रही है टूर्नामेंट की, उसके बाद से हमने स्टार्ट किया। अच्छी नहीं थी? अरे स्टार्ट में तो हम वैसे ही खेल रहे थे, कोई वो ही नहीं था। बाद में देखा कि इतनी हाइप बन रही है टूर्नामेंट की, उसके बाद से हमने स्टार्ट किया। तीसरे दिन से कंटिन्यू चार छक्के लिए, उसके बाद से टॉप। देखते भी कुछ मसाला दिया है कि नहीं भाई ने टीम को। आपकी पोजीशन है 5 सर चैलेंज स्टेज में और आप लीड करते हो स्कारलेट गेमिंग को, सो कहां कमी रहेगी? ये 1 रह गए, आप 5 आ गए, क्या सीन है? एक्चुअली ना हमारा एकदम अपोजिट सीन है। हम लोग सेकंड लास्ट ईयर तक सेकंड पे बैठे थे और हमको पता था हम थोड़ा ट्राई करेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे, बट मैंने कहा यार इधर फर्स्ट आ गए क्या फायदा, आना है तो फाइनल्स में। तो मैंने लास्ट दो गेम मजे में खेले कि ठीक है भाई इनको जाने दो। सो भाई डिफेंडिंग चैंपियन हो, आपके सर पे ऑलरेडी ताज है, अब इस ताज पे कितने लोग आने वाले मुझे भी पता है, ठीक है, कैसे डिफेंड करने का प्लान है? अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपना नॉर्मल गेम है वो खेलेंगे, बस पेलना है। तो आपकी टीम में कोई ऐसा सिर्फ पेलना है वे, उसको बस बोल दे जा बस खत्म कर दो, दुनिया निपटा देगा। रिफ्लेक्सर। और इसके रिफ्लेक्सर का जवाब है आपके पास? कोई क्रिमिनल है, शाउडी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक आते हैं टेक्निकल क्वेश्चन पे, जिससे कि आप लोग भी एंटरटेन रहो, कि भाई हमारे पास अभी न्यू स्टेट में 2 मैप है, रैंगल और ट्रॉय, आपका कौन सा फेवरेट है और क्यों फेवरेट है? मेरा ट्रॉय। दूसरे लोगों का मत बताया, जब आपके रूल्स बड़े ऐसे होते, अगर गॉड लाइक में से कोई प्लेयर चाहिए तुझे तो कौन सा प्लेयर होगा जिसपे तेरा दिल लगा कि मतलब ये मेरी प्लेयर मेरी टीम के बढ़िया एडिशन हो सकता है? ब्लंटली ऑनेस्ट कोई भी नहीं, मतलब कोई तो प्लेयर होगा रिफ्लेक्सर जैसे वो बोल रहा है, रिफ्लेक्सर ही चाहिए तुझे? ना क्यों, रिफ्लेक्सर को टक्कर में क्रिमिनल देगा? अरे मेरे प्लेयर्स खुद अच्छा खेलते हैं और रिफ्लेक्सर मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ओवर कमिट करता है। सर ये आपके स्टार प्लेयर को ओवर कमिटर बोल रहा है पहला, अरे पहले इसका जवाब दे दो इसको। ये लफड़ा लफड़ा हो रहा है, लफड़ा हो रहा है, जहां घुसेगा फाड़ के ही निकलेगा। अरे अरे निकल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना। ठीक है काम ना, लफड़ा लफड़ा। और अब दोनों आप आईजीएल हो, ठीक है, तो आपके अंदर वो क्या स्पेशल क्वालिटीज है जो बाकी आइडल्स में नहीं है और वो आप अपनी टीम में लेकर आते हो? मेरा एक्सपीरियंस और मेरी रोटेशंस, चाइनीज रोटेशंस। एक और, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर गॉडलाइक थोड़ा सा लैग करती है और स्काईलाइट अच्छा करती है? अर्ली रोटेशन। और आपको लगता है कि वो जरूरी है? ना, कोई जरूरी नहीं, वो तो लक का गेम है। कर दो गुरुजी दूसरे वाले की, कुछ होना भी तो चाहिए। और किल सबसे ज्यादा है, जोन नहीं मिला तो जाट भाई बैठ जाएंगे सबकी फर्स्ट एड लेके और 3 बंदों को भेज देंगे सुसाइड मिशन पे, जाओ मारो। चलो गाइस मजा आ गया, थैंक यू सो मच ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। सो जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कैमरे में देख के अपने फ्रेंड्स फैमिली गर्लफ्रेंड्स को कोई मैसेज देना चाहते हो तो दो। हमारे स्काईलाइट के फैंस हैं और जो हमको सपोर्ट करते आ रहे हैं, आई होप कीप सपोर्टिंग। और सोलर गॉडलाइक के फैंस को मैं बोलूंगा फाइट तुम दोनों करते रहो, ट्रॉफी तो हम लेने वाले हैं। पहले तो मैं इसका का ही जवाब देना चाहूंगा, जब ये ट्रॉफी की रेस में आओगे तो बता देंगे, अभी बहुत टाइम लगेगा उसे। अरे वाह, घातक भाई को बोलना चाहूंगा, घातक भाई थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये थे हमारे जाट फ्रॉम गॉडलाइक एंड एसको कॉलेज, और चेहरे आएंगे और फायर करेंगे शॉट्स। तब तक के लिए आप स्नैपड्रैगन प्रो सी चैलेंज ये न्यू है गाइस, इतना न्यू है ये न्यू है।